फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन केमिस्ट्री का। देख सकते हो, कह रहा मोलल उन्नयन स्थिरांक किसे कहते हैं। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई, एग्जाम में पूछा जाता है ये क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका पूछा भी जा चुके हैं, तो इस बार आने के भी इसके चांसेज रहेंगे। 2 मार्क्स का पूछा जाता है, ठीक है, और इंपॉर्टेंट है ये। तो आज हम इसको बहुत आसानी से देखेंगे। देख सकते हो, ये इसकी थ्योरी है और इस थ्योरी को आपको रटना नहीं पड़ेगा, इतनी मेरी गारंटी, क्योंकि हम एकदम फॉर्मूले से इसे समझेंगे, आप खुद से लिख पाओगे। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखना क्योंकि वीडियो इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं मोलल उन्नयन स्थिरांक के बारे में। तो देख सकते हो, पहले इसकी थ्योरी पढ़ लो, फिर आपको रटना कुछ नहीं, अभी हम फॉर्मूले से देखेंगे। ठीक है, कह रहा विलायक के 1000 ग्राम में किसी विलेय पदार्थ के 1 मोल को घोलने में उसके क्वथनांक में होने वाली वृद्धि या क्वथनांक में होने वाला उन्नयन मोलल उन्नयन स्थिरांक कहलाता है, इसे KB से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो अब इसे हम एकदम आसानी से समझें, इस थ्योरी को आप खुद से लिख पाओ, आपको कुछ नहीं रखना पड़े। ठीक है, तो देखो, आपको पता है मोलल उन्नयन स्थिरांक के लिए आपको एक फॉर्मूला होता है, डेल्टा TB इक्वल टू KB इंटू स्मॉल m, जहां डेल्टा TB क्वथनांक में उन्नयन होता है, क्वथनांक में उन्नयन। ठीक है, क्वथनांक में उन्नयन होता है आपका। यहाँ पे KB क्या होता है, KB क्वथनांक में आपका, ये क्या होता है, ये क्वथनांक, ये आपका मोलल उन्नयन स्थिरांक, क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक कह सकते हो या मोलल उन्नयन स्थिरांक भी कह सकते हो। ठीक है, मोलल उन्नयन स्थिरांक। ठीक है, एम यहाँ पे आपका क्या होता है, एम होता है मोललता, क्या होती है, मोललता। ठीक है, अब मोललता का फार्मूला भी याद होना चाहिए आपको यहाँ से, कि मोललता का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, वो आपका होता है विलेय के मोल, विलेय के मोल अपॉन में क्या होता है, विलायक का भार, विलायक का भार। यहाँ पे आपको विलायक का भार जो लिखना है ग्राम में लिखना है, और ऊपर कर देना 1000 का गुणा। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम विलेय के मोल को स्मॉल n से मान ले और विलायक के भार को कैपिटल W से मान ले, ठीक है, तो देखो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेल्टा TB इक्वल टू KB इंटू m था, तो डेल्टा TB इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा KB इंटू m, m यही तो था, m का मान क्या हो जाएगा, स्मॉल n अपॉन कैपिटल W, ठीक है, इंटू यहाँ पे 1000। ठीक है, देख सकते हो आप यहाँ से बहुत आसान, बस देखो अब हमें निकालना क्या है, मोलल उन्नयन स्थिरांक। देखो हम बात किसकी कर रहे हैं, मोलल उन्नयन स्थिरांक की, तो हम इसका मान निकालेंगे यहाँ से, KB इक्वल टू डेल्टा TB इंटू यहाँ ये W जो इधर भाग में इधर चला जाएगा गुणे में, और ये जो n आपका इधर गुणे में है, देख सकते हो इसके गुणे में, ये नीचे आ जाएगा भाग में, इंटू 1000। ठीक है, इंटू 1000। आप देखो अब आपको बहुत आसानी से इसकी परिभाषा लिखवाएंगे, देखो कैसे, अब आपको यहाँ पे लिखना है W इक्वल टू 1000 ग्राम, माना लिख सकते हो ऐसे, ठीक है, माना, ठीक है, W इक्वल टू 1000 ग्राम, n इक्वल टू अगर हो कितना, 1 मोल। ठीक है, तो आप देखो KB इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा TB इंटू W हमने क्या माना, 1000 ग्राम। ठीक है, 1000 ग्राम, सॉरी ये गड़बड़ कर दिया ना, देखो यहाँ पे, यहाँ 1000 गुड़े में था, तो इधर नीचे क्या आ जाएगा, भाग में आ जाएगा, ये देखो ध्यान से देखो, यहाँ पे 1000 गुड़े में, तो ये तो भी तो भाग में आएगा, तो यहाँ पे ये नीचे आ जाएगा 1000। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, n का मान कितना हमने माना, 1 गुड़े 1000। ठीक है, ये देखो समझ में आ रहा होगा, ये गुड़े में है ना, तो इधर जब ये आएगा तो ये किस में हो जाएगा, भाग में। तो देख सकते हो जब यहाँ से हमने KB का मान निकाला तो कितना आ गया, डेल्टा TB इंटू W, देखो डेल्टा TB इंटू W अपॉन n इंटू 1000। ठीक है, अब हमने W का मान 1000 ग्राम माना, n का मान 1 मोल माना, देखो यहाँ से 1000 से 1000 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, KB इक्वल टू डेल्टा TB। ठीक है, KB इक्वल टू डेल्टा TB, ठीक है, KB इक्वल टू बचेगा डेल्टा TB, बस इसको कोष्टक में बंद कर दो। आप बताओ आप परिभाषा लिख पाओगे, देखो अब कैसे लिखेंगे हम लोग, देखो परिभाषा पढ़ो, कह रहा विलायक के 1000 ग्राम में किसी विलेय पदार्थ के 1 मोल को घोलने में, देखो ये आपका W क्या है, यहाँ पे W है क्या, विलायक का भार, तो विलायक का 1000 ग्राम भार। ठीक है, और n क्या है आपका, मोल है विलेय के, तो ये क्या है, विलेय के मोल। तो परिभाषा क्या कह रही है, विलायक के 1000 ग्राम में किसी विलेय पदार्थ के 1 मोल, देखो विलायक के 1000 ग्राम में किसी विलेय पदार्थ के 1 मोल को घोलने में उसके क्वथनांक में होने वाली वृद्धि या क्वथनांक में होने वाला उन्नयन, क्वथनांक में होने वाला उन्नयन कौन सा हमारा, डेल्टा TB, डेल्टा TB क्या है, देख सकते हो क्वथनांक में उन्नयन, क्वथनांक में उन्नयन जो होता है वही आपका मोलल उन्नयन स्थिरांक कहलाता है, ये जो क्वथनांक में उन्नयन है ये ही आपका मोलल उन्नयन स्थिरांक KB कहलाता है। यही परिभाषा देखो ध्यान से, जब विलायक का 1000 ग्राम हो
विलेय के एक मोल हो तो आपका जो क्वथनांक में उन्नयन होगा उसे ही हम क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। परिभाषा खुद ले, ठीक है, कुछ नहीं इस पे। आप क्या परिभाषा कहोगे कि देखो जब विलायक का भार, W क्या है विलायक का भार, जब विलायक का भार 1000 ग्राम हो, विलेय के एक मोल हो, उसको घोलने पर जो क्वथनांक में उन्नयन डेल्टा टीबी होता है वही आपका केबी के बराबर होता है। केबी आपका क्या है, क्वथनांक, वो मोलल उन्नयन स्थिरांक, ठीक है। अब बताओ इसको लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि हम इसको पूरा अच्छे से समझ चुके हैं, ठीक है। देख सकते हो डेल्टा डीबी इक्वल टू केबी इंटू एम था और इसे पूरा आप देख सकते हो, इसको फॉर्मूले को हमने निकाल लिया यहाँ से, W इक्वल टू 1000 ग्राम, N इक्वल टू 1 मोल रखा और पूरा हमारा मान निकल आया, देख सकते हो, ठीक है। तो एकदम आसान टॉपिक था, कुछ नहीं था इस पे और इसे एकदम आसानी से हमने समझ भी लिया। तो भाई वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक भी कर देना, ठीक है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।